वेलकम फ्रेंड्स, पार्ट 22 में आपका स्वागत है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आएगी क्योंकि एपी है वो एडिशन के फॉर्म में दिया हुआ है। फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम जैसे करते थे वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। मैं यहाँ से देखो, मेरे पास एपी है तो मैं इसको ए मान लेता हूँ और ये मेरा लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं है और कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 2, 4, 4, 6, मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा 2 का है। तो मेरा a इज इक्वल टू हो गया 2, d इज इक्वल टू हो गया 2, देन n इज इक्वल टू व्हाट एंड l इज इक्वल टू मेरे पास है 200, राइट। अब देखते हैं, मुझे n ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास l है, l इज इक्वल टू an होता है और a प्लस n माइनस 1 में फॉर्मूला लगा लेता हूँ। n की वैल्यू 200 थी, a की वैल्यू मेरे पास 2 थी, n की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, d की वैल्यू 2 थी। अब 200 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे तो ये n माइनस 1 मिल जाएगा। अब ये करीबन जाएगा 198 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। 198 को डिवाइड करते हैं 2 9 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, जो हमें n की वैल्यू कितने देगा, 100 देगा, राइट। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू मिल चुकी है, अभी हमें ये सारे टर्म का सम करना है। तो s ऑफ n इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये फॉर्मूला था। अब n की वैल्यू 100 है तो 100 बाय 2 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमारा 2 था, लास्ट टर्म हमारा 200 था, तो इसको कट करने से s ऑफ 100 इज इक्वल टू 50 और ये हो गया 202। s ऑफ 10 इज इक्वल टू, चलिए एक काम कर लेते हैं, 202 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10 1 10, राइट, 10 10, और इसका एक ज़ीरो लग जाएगा। तो आपको फर्स्ट 100 टर्म का जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, देख सकते हो हमारा आंसर भी आ चुका है 10 10 0। तो इस तरीके से आप n निकाल के सीरीज का सम भी कर सकते हो। मिलते हैं पार्ट 23 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।